एवरीवन एंड वेलकम टू माय इंटरग्रू। आप सभी का स्वागत है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं रेलवे की तैयारी और आज हमारा सेशन है मेंसुरेशन पे। तो पिछले 5 सेशन में हम लोगों ने मेंसुरेशन के सारे तरीके की फिगर्स, उनके फॉर्मुलेज और उन पर बेस्ड सवाल देखे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियसली आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मेंसुरेशन इन रेलवे, यानी पिछले वर्षों में जितने भी रेलवे में आपके सवाल आए हैं मेंसुरेशन के, उन पर बात करेंगे। जितना हमने अभी रीड आउट किया प्रीवियस ईयर, तो वहां पे आप देखें मेंसुरेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ पेपर्स में मेंसुरेशन बिल्कुल नहीं आया, पर जिनमें आया उनमें 5-5 के लॉट में आए। 5 का लॉट मतलब एक जहां पे भी आया 5-5 क्वेश्चन आए मेंसुरेशन के। तो अगर आप मेंसुरेशन को ऐसा सोच रहे आप इग्नोर कर देंगे तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कुछ कुछ पेपर में नहीं भी आता है और अगर आता है तो बहुत बल्क में आता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और आज आपके लिए क्वेश्चन के साथ टाइमर भी चलेगा, ऊपर आपको दिख रहा होगा टाइमर। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया, 30 सेकंड का टाइमर है। आपके पास 30 सेकंड रहेंगे सवाल को सॉल्व करने के लिए। देखते हैं पहले जवाब कौन देता है। चलिए, हो गई है क्लास शुरू, सवाल का टाइमर चल रहा है। आपके पास रह गए हैं केवल 15 सेकंड। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। एक आयरन है जिसकी लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और इसको क्या करना है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। आपको इस पे निकल प्लेट चलाना है। अब आपको बताना है निकल प्लेटिंग के लिए कितना पैसा लगेगा। अगर 3,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर इसका प्लेटिंग चार्ज है, आपको बताना है इस पूरे आयरन शीट को प्लेटिंग करने में कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो एक आंसर यहां पे आ रहा है 540। अंकुर जी का आंसर आया है 540। एक आंसर आ रहा है ऑप्शन 1, यानी कि 60। ओके, चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। ओके, तो सवाल में अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, ट्वाइस, क्योंकि जितना इसका क्या होगा सरफेस होगा उतना प्लेटिंग करना होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 30 इंटू 20 600 प्लस 20 इंटू 10 200 प्लस 30 इंटू 10 300। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 600 और 200 800 प्लस 3 1100 इंटू 2 2200। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ये 2200 क्या आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। इसे हमें किसमें बदलना पड़ेगा बेटा, मीटर स्क्वायर में। तो हमें पता है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, या कह सकते हैं 10,000 क्या 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर के बराबर, क्योंकि हमें किसमें दिया गया है, स्क्वायर मीटर में दिया गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 10 का स्क्वायर 10,000। ये आपके मीटर में वैल्यू आ गई। 1 मीटर के लिए 3,000 है, तो इतने मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 22 इंटू 3 66 और 1 जीरो जो बचा है, आंसर आ गया आपका 660। आंसर कितना आ रहा है आपका, 660। ठीक है, ऑप्शन 4। तो यहां पे जिन जिन का आंसर 660 आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का आंसर 540 या ऑप्शन 3 आ रहा था। रीजन बिहाइंड, आपने टोटल सरफेस एरिया लेने की जगह सिर्फ क्या लिया, आपने 4 दीवारों का एरिया लिया और फिर सॉल्व किया। इसकी वजह से जो आपका आंसर है वो डिफरेंट आता है। ठीक है, आपको क्या है, 4 दीवारों का एरिया नहीं लेना। आप जब किसी चीज पे प्लेटिंग करते हैं तो ओवरऑल प्लेटिंग करते हैं, यानी इसके टोटल सरफेस एरिया पे प्लेटिंग होगी और आंसर आपका ऑप्शन डी यानी 660 आएगा। जैसे यहां पे हम देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स का आंसर बिल्कुल यही आ रहा है। चल, बहुत बढ़िया, वेल डन एवरीवन, सबका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं, टाइमर हो गया है चालू, देखते हैं कौन देगा इसका आंसर सबसे पहले। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सर 4 ऑप्शन,
अच्छा नेम ले लीजिए, मैकेनिकल आदित्य जी कह रहे हैं। चलिए इस बार जो पहला आंसर देगा उसका नाम जरूर लेंगे हम। इसमें इतना टाइम लग रहा है तुम लोगों को, इस सवाल को तो बिना पेन चलाए तुम लोग को सॉल्व करना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ पहला आंसर आ गया है, के टाइम्स अप। किसी ने आंसर नहीं दिया इस सवाल का। ऑप्शन थर्ड शैलेन सिंह चौहान, इनने सबसे पहले आंसर दिया, वेरी गुड। ऑप्शन थर्ड है, इसको हम क्वेश्चन पढ़ते ही साथ सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन पढ़ते ही साथ आंसर कर सकते थे, ऑप्शन थर्ड आएगा। देखो कुछ नहीं करना, बात समझना। रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर इज 9:16, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द पैरामीटर्स। अगर हम पैरामीटर्स की बात करें तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है बेटा, 4a1 और 4a2 मान लेते हैं, यही होगा इनका पैरामीटर। पैरामीटर क्या हो जाएगा बेटा इनका, 4a1 रेशियो 4a2, यही होगा अगर इनकी भुजाएं ये मान लें। तो आप देखिए 4 और 4 तो कांस्टेंट है, वो कैंसिल हो जाएगा, यानी इनके परिमाप का यानी पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो सेम होगा साइड्स के, तो आंसर क्या हो जाएगा 9:16, कोई फर्क नहीं पड़ला, सही है। ऑप्शन थर्ड या 9:16, जिन जिनका आंसर आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है, जैसे बिंदु जी हो गए, आकांक्षा जी हो गए, रुचि जी हो गए, नितेश जी हो गए, बहुत बढ़िया। तो वेल डन एवरीवन, आप सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 3:4 बेटा आपने रूट लगा दिया है, साइज को पैरामीटर में बदल ले, एरिया होता तब आप क्या करते, आप तब रूट लगाते, तब आपका स्क्वायर का जो एरिया है वो चेंज हो जाता साइड में, और जब वो साइड में चेंज होता तो पैरामीटर के बराबर होता। तो अगर आपका 3:4 आ रहा है, आपने कर दिया है उसे को एरिया लेके ऑफ अ स्क्वायर, इसलिए आपका आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, दो आंसर यहाँ पे नॉर्मली बच्चे करते हैं, एक ये और एक ये। यहाँ पे क्या करते हैं, वो एरिया ऑफ स्क्वायर ले लेते हैं, मान लेते हैं, और उस पर अंडर रूट लगा देते हैं, तो साइड मान लेते हैं। लेकिन ये तो साइड का ही रेशियो दे रखा है, तो आप फिर इस पे अंडर रूट क्यों लगा रहे हैं, या फिर क्या करते हैं वो साइड का स्क्वायर कर देते हैं, यानी भुजाओं का स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन पैरामीटर में आपको स्क्वायर की जरूरत नहीं होती, वो सिंगल डायमेंशन है। तो अगर आपका आंसर ये और ये आ रहा है, दोनों ही आंसर क्या हो जा रहे बेटा आपके, गलत हो जा रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए, सही है। ओके, जिनको रिपीट करना है उनके लिए रिपीट कर दे रहे हैं, बाकी लोग इस क्वेश्चन पे जुड़ जाओ, ठीक है। रिपीट करने में कुछ नहीं है बेटा, देखो क्या है, पैरामीटर जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आपकी साइज पे स्क्वायर के लिए। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का जो आपका फॉर्मूला है बेटा वो क्या होता है, पैरामीटर का 4a कितना होता है, 4a, यानी a साइड का 4 गुना। दोनों जगह अगर आप पैरामीटर के स्क्वायर की बात करोगे तो 4 क्या है बेटा, कांस्टेंट है, यानी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो 4 से 4 कैंसिल, सीधे साइड के रेशियो के बराबर आपका परिमाप का जवाब होगा। यहां पे अब हम देख रहे हैं आंसर आ रहा है बी, यानी कि 6a, ठीक है, सीएनडी होगा, बहुत बढ़िया। शिवांशु जी आ गए, सीएनडी होगा, मैकेनिकल आदित्य थर्ड होगा, गिरीश कुमार सीएनडी होगा, मैकेनिकल भैया एक ही बार आंसर दिया करो, रमेश यादव जी 6a होगा, दीपक सिंह 3 होगा, कुलदीप जी 3 होगा, 9a होगा, क्योश तैव। चल तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का आंसर 3 दे रहे हैं, बहुत सारे लोग इसका आंसर 4 दे रहे हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए यहां पर अभी मैंने आपको क्या बताया बेटा कि अगर स्क्वायर की बात हो रही है तो इसका जो पैरामीटर का रेशियो होगा, किसका रेशियो होगा, परिमाप का रेशियो होगा, वही इसकी भुजाओं के रेशियो के बराबर होगा, वही उसकी भुजाओं के रेशियो के बराबर होगा, और जो क्षेत्रफल होगा उसका रेशियो क्या होगा, साइड्स की यानी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि ए स्क्वायर के फॉर्म में ही चलता है, किसके फॉर्म में चलता है, ए स्क्वायर के फॉर्म में चलता है। तो अब आपको क्या पता है, यहां पे कुछ नहीं करना, आपका जो पैरामीटर का रेशियो है उसी का स्क्वायर कर देना है, एरिया का रेशियो आ जाएगा। तो आपको पता है अगर पहले एल था, अब हो गया है ये 3l, ठीक है, ये आप मान लीजिए पहले रेशियो a था, अब ये क्या हो जाएगा, a डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये रेशियो बराबर होना चाहिए। आप देखिए यहां पे क्या कंडीशन आ जाएगी,
एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9 ए अपॉन ए डैश, ए डैश की वैल्यू 9a। सही। अच्छा, जिनको ये डाउट है कि ये पैरामीटर कैसे ले लिया हमने, आप देखिए अगर ये रॉड थी, इसकी लेंथ है एल, अब मैंने इसे फोल्ड करके एक स्क्वायर बनाया है, अगर मैं इसको मोड़ के स्क्वायर बना रहा हूं तो ये जो स्क्वायर का पैरामीटर है यानी इसकी बाउंड्रीज है वो किसके बराबर होनी चाहिए, एल के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहां पे 9a यानी कि ऑप्शन थर्ड। सही। ओके, ऑप्शन सी थर्ड या 9a जिनका आंसर आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। वेल डन, चल बहुत बढ़िया, सभी का आंसर यही आ रहा है। चल अगला सवाल की बात करें, टाइमर स्टार्ट हो गया है, देखते हैं कौन देगा इसका आंसर भी सबसे पहले। कुमार सुदेश जी कह रहे हैं सर मेरा आंसर सही था, बहुत बढ़िया। रोहित राय सर कह रहे हैं ऑप्शन थर्ड मेरा सही है सर, आप मेरा नाम अंग्रेज सिंह जी, अंग्रेज सिंह जी आपका भी नाम हमने ले लिया, जेके लक्ष्मीपुर 9A, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, ओके, नेमचंद प्रजापति जी पक्का 9A होगा, वेरी गुड, पैरामीटर सेम होगा, बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम मैथ्स की क्लास ले रहा हूं, वेलकम टू द क्लास सर। और टाइम अप हो गया है, आंसर यहां पे हम देख रहे हैं ऑप्शन डी, बहुत सारे बच्चे अभी भी कह रहे हैं सर एज रिलैक्सेशन प्रॉब्लम कब होगा, रिलेशन सर एज रिलेशन प्रॉब्लम कब होगा, बेटा हो चुका है, जो टॉपिक आपके छूट गए हैं उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे दोबारा। ऑप्शन सेकंड बी, ऑप्शन सेकंड बी बहुत सारे कैंडिडेट्स का आंसर आ रहा है 1080, ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं क्या आंसर आएगा। अब देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्किल इज 5:6, इनके रेडियस का जो रेशियो है वो 5:6 है, आपसे कहा जा रहा है एरिया ऑफ द सर्किल इज 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्किल। आप देखिए इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका क्या है, मैं कहता हूं बड़े वाले का जो एरिया है वो होगा पाई आर स्क्वायर, तो इसे हम लोग मान लेते हैं 6x, इसे क्या मान लेते हैं 6x मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 36x2। ठीक है, ये आपको कितना दिया गया है 1296, कितना दिया गया है 1296। ठीक है, 36 से ये आपका सीधे 36 बार चला जाएगा, 36 का स्क्वायर होता है 1296, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, आपकी x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36/5। क्लियर है, अगर मैं स्मॉलर वाले की बात करूं तो स्मॉलर वाले का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25x2। ठीक है, इस x स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है 36π, इस x स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या है 36π, तो अगर मैं यहां पे 36π की वैल्यू रख दूं तो ये क्या हो जाएगा 25 × 36/π, पाई से पाई कैंसिल, 36 का मतलब 9 × 4, तो 25 × 4 100 होता है, आंसर आपका आ गया 900, आंसर कितना आ जाएगा 900 यानी कि ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो जिन जिन का आंसर ऑप्शन थर्ड या 900 आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अंजलि जी कह रही है मैं ट्रेन में हूं, चलिए अगर आप ट्रेन में भी इतना कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 900 जिन जिन का आंसर आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब देखिए इस सवाल की ट्रिक क्या है, सवाल की ट्रिक क्या है, आपको पता है यहां पर भी बिल्कुल स्क्वायर की तरह केस चलेगा, एरिया का जो रेशियो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, रेशियो रेडियस के स्क्वायर, किस पे करेगा, रेडियस के स्क्वायर पर रेशियो डिपेंड करेगा किसका, एरिया। तो आप कह सकते हैं 1296 कितने के बराबर है 36 के बराबर, क्योंकि इसके लिए रेशियो कितना है 6 का स्क्वायर 36, हमें किसका एरिया चाहिए, इसके स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखिए यहां पे अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36, यानी 36 रेशियो की वैल्यू इतनी है, 25 रेशियो की वैल्यू अगर हम निकाल ले हमारा आंसर आ जाएगा 36 से 36 बार 36 × 25 900।
सही। अब ये सवाल आपका सिंगल लाइन का हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। यस सर, ये यही था, बहुत कुछ गड़बड़ हो गया मे बी। ओके, कोई बात नहीं बेटा, होता है, कई बार आपसे मिस्टेक होती है, वो यही होनी चाहिए। पेपर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जो मिस्टेक हो वो यही हो। बेटा 36 का स्क्वायर 1296 होता है, तो 36 से 6 का स्क्वायर 36 रेशियो में था, तो 1296 को अगर 36 से डिवाइड करोगे 36 ही आएगा। क्लियर है सर? ओके, बहुत बढ़िया। ओके, अब ये सवाल आ गया। अब बहुत सिंपल सी बात है, सर यूपी पुलिस की क्लास कब है? बेटा यूपी पुलिस की क्लास आपकी एवरी अल्टरनेट डेज चलती है टीटीएस में, यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 2 से 3। अच्छा, आपको पता है अगर कोई स्क्वायर शीट है, इससे मुझे स्क्वायर शीट 2-2 सेंटीमीटर के स्टिकर्स काटने कुछ इस प्रकार से, तो मैं क्या मानूंगा, जितना इन दोनों का एरिया है, यानी 9 × 16। और एक स्टिकर का एरिया क्या है, 2 × 2। ऐसे कितने स्टिकर बना सकते हैं, मान लीजिए एन स्टिकर बना लेते हैं, तो इन एन स्टिकर्स का एरिया जो टोटल होगा वो बराबर होना चाहिए इसके, तो 2 × 2 = 4। 4 से ये चला जाएगा 4 बार, एन की वैल्यू आ गई आपकी 36। सही आंसर कितना हो जाएगा, 36। सभी का आंसर 36 आ रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। अजय जी हो गए, सूरज जी हो गए, एमओ प्रिंस मिश्रा जी हो गए, मनीष जी हो गए, ठीक है। ओके, 36 36 36, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 32, यानी कि ऑप्शन थर्ड। अब वो क्या मान लेते हैं, देखो मैं वो भी बता दे रहा हूं बेटा, जिनका 32 आ रहा है उनका कैसे आ रहा है, उनने ये माना ये 9 ये 16। अब दो दो के आपको काटना है, तो 16 तो 2-2 सेंटीमीटर के स्क्वायर के हिसाब से 8 बार चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पार्ट में चला जाएगा। पर जब हम ऐसे बढ़ाएंगे तो 2 2 4 6 8 तक जाएगा, 9 बनेगा ही नहीं 2 का। तो उनने क्या कहा, जो एरिया एक्चुअली पेपर का यूज हो रहा है वो 8 × 16 के फॉर्म में यूज हो रहा है, वो 8 × 16 के बराबर यूज हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2 × 2, ठीक है, 2 × 2 = 4 से ये चला जाएगा 2 बार 32। अब बेटा जब आपका आंसर ये 32 आ रहा है, तो ये पेपर क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। ऐसा तो कहा नहीं कि पेपर चिपक नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता है ये पेपर आपस में चिपक जाए 1-1 मीटर के 2, तो ये भी 2 बाय 2 का स्टिकर हो जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग अभी मैक्सिमम कंडीशन लेकर चलेंगे, और आंसर आपका कितना हो जाएगा बेटा, आंसर आपका 36 हो जाएगा। सही, चलिए चलिए। हरीश यादव जी कह रहे हैं मेरा सही है, सूरज जी कह रहे हैं मेरा सही है, खुशाल जी कह रहे हैं राइट है सर, बहुत बढ़िया, वेल डन। जिन जिनका आंसर सही आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। देव कुश जी कह रहे हैं टिग्नोमेट्री कब होगा सर? कल होगा बेटा। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने डिमांड करी सर टिग्नोमेट्री पढ़ा दीजिए, इस बार टिग्नोमेट्री आएगी, तो बिल्कुल हम आपका टिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। ओके, सुभाष कह रहे हैं मेरा सही हो गया, मेरा मैथ्स का पहला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। ओके, टाइमर स्टार्ट हो गया है, हाँ जी बिल्कुल, टिग्नोमेट्री कल पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आपने टिग्नोमेट्री के अभी तक के सारे सेशन देखे हैं कुमार सुदेश जी, तो मुझे नहीं लगता अब आपके मन में कोई डाउट होना चाहिए। एक बार इसको फिर से आप देखिएगा, मैंने आज सारे सवाल कराए हैं जो आपके पेपर में आते हैं, तो अगर आपको ये भी क्लियर हो गए तो पेपर में इसी तरीके का आता है, आपको दिक्कत नहीं होगी। संजू पहलवान जी वेलकम टू द चैनल। ओके, अगर आप नए हैं ठीक है तो कोई बात नहीं। ओके, और टाइमर यहाँ पे हो गया है अब, तो आंसर यहाँ पे 36 ऑप्शन में नहीं है। ओके सर, आरपीएफ की क्लास कब चलेगी? बेटा आप इसी को कंटिन्यू रखिए, आरपीएफ आपका आ जाएगा। 240 आंसर आ रहा है आदित्य कुमार जी का, ऑप्शन 4th आ रहा है आशीष कुमार जी का, बहुत बढ़िया। अंदीप जी बिल्कुल मोस्ट वेलकम टू द चैनल। अब आपसे क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स ऑफ बेस एल एंड हाइट एच विल बी इक्वल टू द राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ बेस 10L एंड द हाइट 24H। आपसे कहा कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है,
जिसकी हाइट जो है यानी ऊंचाई जो है वो 24 एच है। ऊंचाई कितनी है बेटा? 24 एच है। और इसका जो बेस है वो 10 एल है, ठीक है। इसका जो एरिया है, अब इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा? 1/2 बेस इंटू या परपेंडिकुलर इंटू बेस आप कह सकते हैं। अब ऐसे कितने क्षेत्रफल होंगे ऐसे ही छोटे छोटे राइट एंगल ट्राइंगल के जिनकी ऊंचाई h है और आधा l है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालू 1/2 h इंटू l। अब ऐसे कितने ट्राइंगल चाहिए? मान लीजिए n ट्राइंगल चाहिए, तो इन दोनों का एरिया क्या कह रहे हैं? बराबर होना चाहिए। एच एल एच एल 1/2 1/2 कैंसिल, n की वैल्यू सीधे 240, n की वैल्यू सीधे 240 आ गई। अब देखिए कई लोगों का आंसर क्या है, 120 भी आ रहा है, ठीक है। 120 जिन जिनका आंसर आ रहा है वो एक माइन्यूट सी गलती कर रहे हैं बेटा। आप ये भूल जा रहे हो कि 1/2 यहां पर भी है। आप क्या कर रहे हो? इस 2 से इसको 12 बार डिवाइड कर रहे हो, 12 × 10 आंसर बता दे रहे हो 120। पर ये भी तो 1/2 है। अगर आपने इस 2 से इस 24 को काटा तो ये फिर 2 मल्टीप्लाई होके उस 12 को क्या कर देगा बेटा? 24 कर देगा। तो आंसर 240 या ऑप्शन 4 है। तो जिन जिनका आंसर 240 या ऑप्शन 4 आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं इस सवाल को। सवाल क्या कह रहा है? किसी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया जिसकी भुजा 24 एच और 10 एल है, ठीक है, ये इसका एरिया हो गया। ऐसे छोटे छोटे ट्राइंगल का एरिया कितने होंगे? कितने होंगे? एन मान लो, एन ऐसे छोटे छोटे ट्राइंगल हैं जिनकी परपेंडिकुलर एच और बेस एल। तो उन छोटे ट्राइंगल का जो एरिया आ रहा है बेटा वो ये आएगा। एक ट्राइंगल का एरिया इतना है तो एन ट्राइंगल का एरिया इतना हो जाएगा, ठीक है। ये जो टोटल एरिया आ रहा है वो इसके बराबर दिया गया है। यहां से आप सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू 240 आ जाएगी। कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हमने आप लोग के कहने पर बता दिया, ओके। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? बहुत सिंपल सा सवाल है बेटा कि अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड है ना, रेक्टेंगुलर ग्राउंड पे है। ऐसा सवाल हमने आपके साथ डिस्कस किया था, सर मेंस्ट्रुएशन 9th-10th में बहुत पढ़ा हूं, बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा 9th-10th का ही सिलेबस आपके यहां पर देखने को मिलता है। एवरेज का स्टिल रिमेनिंग, बिल्कुल राकेश कुमार जी, अगर एवरेज बचा है तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम डेट बेटा गॉड नोस, टाइम्स अप, आंसर देखते हैं किसका आंसर सही आया है। ओके, ऑप्शन सेकंड आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन सेकंड यानी 6 लाख अभी आ रहा है। सिकंदर कुमार जी, सर हिंदी लैंग्वेज, बिल्कुल हिंदी में भी बोलेंगे सिकंदर जी, ठीक है। ऑप्शन सेकंड यानी 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए कई लोग कह रहे हैं। प्रणाम जी, रवि जी, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कह रहे कोई रेक्टेंगुलर ग्राउंड है विच इज 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड, ठीक है। कोई रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, ठीक है बेटा, यहां पे क्या है, ये 60 और ये 40, ठीक। इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क बना दी गई। अब कहा जा रहा है 1 मीटर स्क्वायर सड़क बनाने के लिए आपको लगते हैं 1000 रुपए। तो पूरी सड़क बनाने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा? इसका एरिया का एक फॉर्मूला हमने लिखवाया था, एल प्लस बी प्लस 4W × 4W, जहां पे W क्या थी? विड्थ थी, एल लेंथ थी, बी वृत्त, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने क्या करा, 4 लंबाई यानी 60 प्लस चौड़ाई प्लस जो चौड़ाई सड़क की है उसका, सॉरी ट्वाइस था, 2W, उसका दुगना रखा, तो 5 का दुगना बेटा 10, ठीक है, और यहां पे भी 10, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5 का दुगना 10, 60 प्लस 40 प्लस 10। फॉर्मूला क्या था फिर से एक बार लिख दे रहे हम आपके लिए, 2W यानी 2 × सड़क की चौड़ाई लंबाई प्लस चौड़ाई
प्लस 2 इंटू सड़क की चौड़ाई। अब आप इसे सॉल्व करोगे 60 40 100, 100 प्लस 10 110, और 110 में 10 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1100 मीटर स्क्वायर। एक मीटर स्क्वायर के लिए 1000 रुपए, तो 1100 मीटर स्क्वायर के लिए ये आपका आ गया 11 लाख। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड या 11 लाख जिनका आंसर आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। 2W होगा बेटा, 2W ही लिखा है, 2W लिखा है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड या 11 लाख जिनका आंसर आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बड़ा आसान सा है, देखते हैं इसका आंसर कौन सही देगा। सर मेरा जीके एंड जीएस बहुत बढ़िया है। सर बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। यस सर मेरा सही है। गौरव गोस्वामी जी बहुत बढ़िया। कुमार कुशाल आई एम राइट सर, बहुत बढ़िया। सबका आंसर जिनकी इनका सही आ रहा है। साइंस की क्लास कब होगी सर? जीएस गुरु आ जाएंगे, आप उनसे पूछेगा, वो आपको इसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं शिवांशु जी, हो जाता है कई बार। ओके सर मैंने सबसे पहले आंसर दिया था। भरत ओझा जी बहुत बढ़िया, अगर आपने सबसे पहले आंसर दिया था, ऑप्शन फोर्थ आ रहा है इसका जवाब। ठीक है, देखो बेटा ये सवाल हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था, बहुत सिंपल सवाल था। हमने आपको बताया था जब भी किसी सेमी सर्किल में, जब भी, ठीक है, जब भी किसी सेमी सर्किल में हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं, तो उसका मैक्सिमम एरिया तभी हो सकता है जब उसकी ऊंचाई यानी हाइट r हो और उसका बेस इसका व्यास यानी डायमीटर हो, तो यानी ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 ट्वाइस ऑफ r इंटू r, 2 से 2 कैंसिल, r स्क्वायर। और ये आपको हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला डिस्कस भी किया था, जिनने पढ़ा है उनने इसका आंसर चुटकियों में दे दिया होगा। क्वेश्चन पढ़ते ही क्या होगा इसका आंसर बेटा, ऑप्शन फोर्थ यानी कि आर स्क्वायर। सही है, याद है ना, ये सवाल कराया था हमने आप लोगों से, कितनों को याद है कि ये सवाल हम लोगों ने डिस्कस किया था, 6 थी वहां पे रेडियस की वैल्यू और आंसर आया था 36। सही है कि नहीं। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है आप लोगों के लिए। ये रहा अगला सवाल, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ, यस सर आर क्यूब आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर की जगह आपने वैल्यू रखी, 4 आ जाएगा। ठीक है, यस सर, सर जी आप ओके, थैंक यू, ओके लाइक कर दीजिए बिल्कुल। अगर आपको पसंद आ रहा है सेशन, अभी तक जितना हमने पढ़ाया है वो आपको यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ओके देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ओके देवोजीत मंडल जी कह रहे हैं सर मुझको याद है, बहुत बढ़िया देवोजीत जी, है ना। ओके देखते हैं सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 5000 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। आंसर आपका आ रहा है, यहाँ पे बच्चे देना शुरू कर दिए, फर्स्ट ऑप्शन। राकेश गुप्ता जी कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के अकॉर्डिंग क्या होता है, विकर्ण के आधार पे लेते हैं तो डी स्क्वायर बाय 2 होता है। डी क्या है यहां पर, विकर्ण है। ठीक है, विकर्ण की लंबाई होती है डी स्क्वायर। अब आपने यहां पे रखा तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, 5000। ठीक है, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इधर आ गया तो ये कितना हो गया, 10000 अंडर रूट में डायगनल के बराबर, तो डायगनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 100। 10000 किसका स्क्वायर होता है, 100 का होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट या 100 जिनका आंसर आ रहा है उनका आंसर बहुत सही, बिल्कुल सही है। जैसे हरेन जी हो गए, प्रियंका जी हो गए, भूमिका जी हो गए। ठीक है, 50 आएगा सर, नहीं 50 नहीं आएगा बेटा, 100 आएगा, एक बार चेक करिएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जिन जिनका आंसर आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। जिनका आंसर 50 रूट 2 आ रहा है आपने बुझा निकाल दी।
आपने क्या किया बेटा, साइड निकाल दिया। देखो ऑप्शन के साथ खेलते हैं, ऑप्शन के साथ खेल गए, आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने कहा साइड क्या होता है ए स्क्वायर, साइड क्या हो गया ए स्क्वायर, आपने क्या किया 5000 लिया, इस पे रूट लगाया, तो अब आपने देखा ये रूट लगेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 250, 2500, इससे आपका 50 बाहर आ गया और साथ में लग गया रूट 2, ये आपका ए आ गया। ठीक है, अब ये तो आपकी भुजा आई ना, ये 50 रूट 2 आ रही है, डायगनल क्या होता है बेटा ए रूट 2, तो आपको क्या करना है 50 रूट 2 में रूट 2 का गुणा और करना है, आंसर आपका आ जाएगा 100, यहां से भी आंसर आपका 100 ही आएगा। हाँ बेटा गलत हो गया, कोई बात नहीं, यहां पे आप गलत कर रहे हैं, पेपर में आप बिल्कुल सही करेंगे। यस रियल में भी अब रेलवे हमारा, बिल्कुल रेलवे आपका यार, कोई नहीं छीन सकता, आप लोग अगर मेहनत कर रहे हो आप बिल्कुल सही करोगे। थैंक यू देव देवंकुश जी, थैंक यू वेरी मच, आप लोग का एप्रिसिएशन ही हमारे लिए सब कुछ है, जब आप इतना एप्रिशिएट करते हैं तब हम लोग को अच्छा लगता है। सर 3D के क्वेश्चन कराओ, बेटा जैसे क्वेश्चन आए हैं वैसे ही क्वेश्चन हम करा रहे हैं, इसमें हमारा कोई वो नहीं है, जैसा क्वेश्चन पूछा गया है वैसा ही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, आज जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हम अपनी तरफ से कहीं किताब से अपना खुद बनाकर लाए, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, विनोद कुमार जी आपका नाम ले लिया, चलिए कितने सेकंड रह गए, 5, 4, 3, 2, 1, बैंग बैंग, चलिए देखते हैं क्या होगा इसका जवाब। कई लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन 1, रोशन मोरे जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। कह रहे हैं द विथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ, इफ द फ्लोर एरिया इज 768, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द हॉल। क्या कहा गया, कोई एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसमें जो उसकी चौड़ाई है बी जो है वो 3/4 टाइम्स ऑफ एल है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं बी और एल का जो रेशियो है वो 3:4, एरिया आपको दिया गया है 768, एरिया क्या होता है बेटा एल इंटू बी, तो आपको क्या दिया गया है इन दोनों रेशियो का प्रोडक्ट दिया गया है, तो रेशियो में हमने बताया था जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट दिया जाता है तो एक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं अंडर रूट में डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 4, 12, 12 से इसे हमने डिवाइड किया तो ये कितनी बार जाएगा 12 × 6 = 72, 4 बचेगा 48, 12 × 4 = 48, यानी 12 × 4 = 40, तो रूट के अंदर 64 है बाहर कितनी वैल्यू आ गई 8, तो एक अनुपात की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा यहां से 8 आ गई। अब पूछा गया है लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस, लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस हमें कितना दिख रहा है 1:1 दिख रहा है अनुपात में, तो हम सीधे आंसर बताएंगे ऑप्शन 1 8:1। तो जिन जिनका आंसर 8 वैल्यू आ रही है या ऑप्शन 1 आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है, जिनका आंसर 32 आ रहा है तो आपने क्या किया है आपने लेंथ बता दी है लंबाई बता दी है। ठीक है बेटा, अगर आप इसकी लंबाई देखेंगे तो इसकी लंबाई आएगी 32 और चौड़ाई देखेंगे तो वो आएगी 24। ठीक है, आप देखिए ये कितना हो गया 32 और ये हो गया 24, अब इनको अगर आप देखिए तो 32 × 3/4 अगर आप करेंगे तो ये 24 के बराबर हो गई, तो लंबाई का 3/4 चौड़ाई है, और अगर आप 32 × 24 करेंगे तो आपका आ जाएगा 768 जो हमारा क्षेत्रफल है, आपसे पूछा गया है इनका अंतर जो आपका आ रहा है सही है, तो जिन जिनका आंसर 32 आ रहा है बेटा आप लंबाई बता रहे, मैं फिर से बता दे रहा हूं क्या कहा गया है कि लंबाई का 3/4 चौड़ाई के बराबर है, तो यहां से हमने L और B का रेशियो निकाला जो आ रहा है 4/3,
हमने आपको बताया जब भी कोई दो चीजों का, जब भी किसी दो चीजों का प्रोडक्ट हमें दिया गया है 768 क्षेत्रफल यही होता है, दो चीजों का गुणनफल दिया गया है और उनके अनुपात का मान दिया गया है, तो एक अनुपात का मान निकालने के लिए, एक रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट में जो उनका गुणनफल है डिवाइड बाय उनके रेशियो के गुणनफल के लिए। रेशियो का लेक्चर देखिए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है वहां पे हमने ड्राइव करके भी बताया था। तो यहां पर इसकी वैल्यू रूट के अंदर 64 आ रही है, तो रूट के बाद 8, और एक रेशियो का अंतर आपको यहां से देखना था, तो एक रेशियो का अंतर यहां से 8 आ रहा है आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा हमें पानी पिला दीजिए प्लीज। ओके, अमित कुमार जी कह रहे हैं रिपीट कर दीजिए बेटा, ज्यादा टफ सवाल नहीं है, आप उसके लिए रेशियो का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है यहाँ पे, आप परेशान मत होइए, रेशियो का वीडियो देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। पंकज राय जी, सर मेरा नाम प्लीज। बिल्कुल, आपका नाम हमने ले लिया, नो इश्यूज। सर मेरा सही था, वेल डन, बहुत बढ़िया। चलिए 3, 2, 1 देखते हैं किसका आएगा आंसर सही। RPL रेलवे प्रीमियर लीग में मजा आता है सर, थैंक यू भरत ओझा जी। अब देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। देखो, जब भी कोई एक चक्का घूमता है तो वो एक चक्कर लगाने में अपनी सर्कमफ्रेंस यानी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। किसके बराबर? अपनी परिधि के बराबर दूरी एक चक्कर में तय करता है। तो अगर मान लीजिए कभी आपसे कहा जाता है कोई चक्कर n रेवोल्यूशन ले रहा है यानी n बार रोटेट कर रहा है, n चक्कर काट रहा है, तो उसके द्वारा तय दूरी बराबर हो जाती है 2πrn। उसके बराबर तय दूरी कितने के बराबर हो जाती है बेटा? 2πrn के। तो अब आपने यहां पे वैल्यू रखी, ये कितना डिस्टेंस निकालना है। अब देखो 2r की जगह आप सीधे 1.26 रख सकते हैं क्योंकि ये आपका डायमीटर दे रखा है। डायमीटर क्या होता है ना, 2r की जगह आप सीधे सीधे रख सकते हैं 22/7 पाई की वैल्यू इंटू 1.26 इंटू 500 क्योंकि 500 रेवोल्यूशन ले रहा है। ये हटा, नीचे दो जीरो आ गए, जीरो से दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, सात से ये चला जाएगा 7×7 ठीक है, और कितना था 7×7 56 18 बार ठीक है। 5×2 10 आपको क्या करना है, 5×2 10 110 इंटू 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 110 इंटू 18। कैसे किया, 5×22 110 हो जाएगा, 110 इंटू 18 के लिए 0 एज इट इज, 8 एक और 8 9 और 1 एज इट इज, आंसर आ जाएगा 1980। तो जिन जिनका आंसर 1980 या ऑप्शन 1 आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। 1989 हिमांशु जी आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा था है ना, 1989 डेट ऑफ बर्थ बता रहे हो, 1989 ऑप्शन में नहीं है, है जी, सही है, नाइस सर, ऑप्शन थर्ड आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए बिट्टू कुमार जी कह रहे हैं माय आंसर इज फर्स्ट, तो बहुत बढ़िया, क्लियर है सर, बहुत सही, आप जीनियस है, बहुत बढ़िया बात है। अंकुर जी, लोगों को अक्सर यही नहीं पता होता वो क्या होते हैं, आपको पता है, आप जीनियस है, बहुत अच्छी बात है। ये आ गया एक और सवाल, देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। गुजरात पुलिस की क्लासेस कब से होंगी बेटा, देखते हैं उसके लिए भी कुछ और क्या ट्राई करते हैं। देखिए हम लोग सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक क्लास चला रहे हैं, प्रयास करेंगे कि अगर कहीं पे कोई और क्लास ले सके तो हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। क्लास रीस्टार्ट कब से होगा बेटा, ये सेशन ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री खत्म हो जाए उसके बाद जो भी आप लोग के मन में डाउट होगा उनको लेकर फिर नए दोबारा रीस्टार्ट करेंगे, सब रिवाइज करेंगे ठीक। अब देखो सवाल क्या है, अ सर्कस टेंट इज इन शेप ऑफ अ कोन, कोई सर्कस टेंट है जो जिसका आकार कैसा है बेटा, शंकु जैसा है ठीक है। 930 आंसर आ रहा है बहुत बच्चों का, 188 सही, 4/7 ऑप्शन थर्ड। चलिए
देखते हैं क्या आंसर आएगा। द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5। आधार की त्रिज्या कितनी है? 5। हाइट कितनी दे रखी है? 12। ठीक है, देन हाउ मच कैनवास इज नीडेड फॉर दिस टेंट। अब देखो, टेंट अगर आपको बनाना है तो कैनवास क्या लेना पड़ेगा इसका? कर्व्ड सरफेस एरिया। कैनवास क्या लेना पड़ेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ दूरी। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, या कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr l। अब हमें पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू ज्ञात करनी है। एल क्या होता है? इसकी त्रिज्या ऊंचाई होती है, और एल के लिए फॉर्मूला क्या लिखवाया था बेटा हमने? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपने एल की वैल्यू लगाई, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, आप जब सॉल्व करोगे आपके पास 13 आएगा। और जिसे पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है वो कह सकता है 5 और 12 मिलकर 13 ही बनाते हैं। फॉर्मूले में रखेंगे तो 2 × 22 बटे 7 इंटू आर की जगह कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और यहां पे आपका आ जाएगा एल की जगह 13। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 26 × 11 यानी 6, 6 × 2 = 8, 2 और 1 = 0 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब हमें यहां पे ऑप्शन दिख रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी, 2π, आहा 2π क्यों लगा दिया? पाई आर एल होता है, सिलेंडर का लगा दिया, सॉरी कौन है ना, सिलेंडर का लगा दिया, तो ये 2 नहीं आएगा। सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर एल होता है, अरे कौन का? पाई आर एल होता है, सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दिया था, माय बैड। तो 2 हट जाएगा, तो ये और कम कर दो, 1430 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 1430 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2। सो 4 सही 2/7, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, हाँ पाई आर एल होता है, अबे गलती हो जाती है यार, इतने फॉर्मूले हैं, कई बार इधर उधर गोचा हो जाता है ना, कौन की जगह सिलेंडर का लग गया, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल, एल की वैल्यू 13, आर की वैल्यू 5, और पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 22/7। ठीक है, तो आप करेंगे 5 × 2 = 10, 110 हो जाएगा, 22 × 5 = 110 हो जाता है, 110 × 13 करोगे तो 3, 10 तो ऐसी आएगा, 3 और 1 = 4 और 1, 1430 डिवाइड बाय 7, फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी आंसर हो जाएगा 204 सही 2/7 मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अच्छा टाइमर है, भूल जाते यार, गोचा क्या होता है, मिस्टेक बाय मिस्टेक। ठीक है, नितेश गुप्ता जी उस पर बिल्कुल आप है ना, हमारे टोल फ्री नंबर पे एक बार कॉल कर लीजिए, हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे हम बात करके कि आपको जल्दी से जल्दी वो प्रोवाइड हो जाए। चित्रंगन चित्रंगड़ा सिंह आई गेस सो, ऐसी कुछ नाम था जिनने बोला, मेरा नाम ले लीजिए। ओके, सॉल्व करके ही आंसर देता हूं, वेरी गुड, अगर आप सॉल्व करके आंसर देते हैं। अब देखिए यहां पे देखते हैं, ओके डोरेमोन है, अरे यार इतने तो मोटे ताजे नहीं है हम, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या है? स्पीयर ऑफ अ रेडियस इज 10 cm, कोई गोला है जिसकी त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर कुछ छोटी स्पीयर्स बनाई जा रही है। आपको पता है जब किसी एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज का आकार दिया जाता है, उन दोनों का आयतन क्या हो जाता है बेटा? बराबर हो जाता है, उन दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाता है। 8000 सबका आंसर आ रहा है, ऑप्शन 4, वेरी गुड, वेल डन। आरपीएफ करा दो बेटा, इसको फॉलो करते रहो, आपका आरपीएफ भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आशीष रंजन जी आपका भी नाम ले लिया। तो हमें पता है वॉल्यूम सेम करनी है, तो आप क्या करेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा? 1000। अच्छा देखो, 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूं, इससे मेरी कैलकुलेशन आसान रहेगी। ठीक है,
तो एक बटे दो लिखने का मेरे से क्या होगा, मेरी कैलकुलेशन आसान होगी। मान लीजिए एन छोटी गेंदें बन रही हैं, उन एन छोटी गेंदों का कुल आयतन क्या हो जाएगा, एन इंटू चार बटे तीन पाई एक बटे दो का क्यूब। आप देखिए चार बटे तीन पाई, चार बटे तीन पाई कैंसिल हो गया, एन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1000 और दो का क्यूब नीचे है ना ऊपर चलाएगा, दो का क्यूब 8, आंसर कितना आ गया 8000, सॉरी ऑप्शन 4 यानी कि 8000। बेटा एसटी पोर्टल के लिए हम लोग भी लगे हुए हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए, कुछ इश्यूज हैं लेकिन हाँ आप भरोसा रखिए अब जो अपग्रेडेड होकर एसटी पोर्टल आएगा वो और मजेदार होगा, उसमें बहुत सारी चीजें नई जुड़ के आएंगी और आपको उसमें एसटी देने में और मजा आएगा, आपको उसमें और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी अपने आप को टेस्ट और चेक करने के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल हमने करवाया नहीं है, अगर आप लोगों से हो जाता है बहुत बढ़िया, अगर नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, हम है हम ये सवाल को सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है चलिए हाँ बिल्कुल 0 divided by 0.125 भी कर देंगे तब भी आंसर वही आएगा। चलिए बिल्कुल प्रिया जी नाम लेके पढ़ाएं, कंफ्यूजन हो जाता है, आज नाम ले ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्या है 30 सेकेंड होता है एक सवाल के लिए गैप होता है, तो चलिए आंसर टाइम अप हो गया, देखते हैं इसका आंसर कैसे होगा या इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये सवाल हमने आपको नहीं पढ़ाया इस तरीके का, अगर आपसे नहीं हो पाया कोई बात नहीं, हम है ना अब ये आपसे सॉल्व जरूर होगा। देखिए क्या है, आपका कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी बेटा बराबर होंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, हम इसको नेमिंग दे लेते हैं ए बी सी, इसका नामकरण कर दिया ए बी सी। इसके सेंटर में कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट पी, अब आपसे कहा जा रहा है यहां से इस पॉइंट से इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी गई, ठीक है परपेंडिकुलर दूरी दी गई है, मान लीजिए 3, 4 और 5। अब अगर मैं यहां पर तीन ट्रायंगल बना दूं, कौन कौन से तीन ट्रायंगल बना दूं बेटा ए पी सी और बी पी सी, ठीक, और एक ट्रायंगल और बना देते हैं यहां पे लिख लेते हैं ए ए पी बी, तो अगर मैं इन तीनों ट्रायंगल को जोड़ दूं बेटा तो मेरे पास कौन सा ट्रायंगल आ जाएगा, मेरे पास ए बी सी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, मेरे पास एबीसी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अगर मैं बात करूं एपीबी की, इस वाले ट्रायंगल की, ठीक है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस, इसी तरीके से इसका एरिया हो जाएगा 1/2, ठीक है परपेंडिकुलर इनटू बेस, और यहां पे भी हो जाएगा 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस। तो जब भी आपके सामने आपका इस तरीके का सवाल आता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं 1/2, ठीक है सारे जो आपके लंब दिए गए हैं यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिए गए हैं P1, P2 और P3 इनका योग करके उसमें भुजा का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये सारे परपेंडिकुलर इनटू बेस कर दिया तो तीनों पूरे ट्राइंगल का एरिया आ गया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है बेटा √3/4a2, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो यहां पर इन दोनों का एरिया क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, और जब हम इस कंडीशन में इसको रखते हैं ऑप्शन 1 आ रहा है, कई लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, वीर सिंह कुशवाहा जी आपका नाम ले लिया। तो फॉर्मूला क्या है इसको याद रख लीजिए, जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में इस तरीके से परपेंडिकुलर दूरी दी गई होंगी तो आप कह सकते हैं 1/2 सारे लंबों का योग इंटू भुजा इक्वल टू √3/4 भुजा का स्क्वायर, क्लियर है ये फॉर्मूला हो गया। यहां पे वैल्यू रखी हमने 1/2 परपेंडिकुलर सारे ऐड कर दिए 3, 4, 7, 5, 12 इक्वल ए इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, 2 से 2 बार, ठीक है 2 से
ये चार जाएगा दो बार, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपकी वैल्यू क्या हो गई, 24/√3 इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी ए। अब क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, यानी आपको किसकी वैल्यू चाहिए, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी इसका एरिया निकालना है। 24 का स्क्वायर होता है 576 डिवाइडेड बाय 3, √3 का स्क्वायर 3, 4 किया 12, 12 से मैंने इसे डिवाइड किया, ये चला गया 48 बार, आंसर आपका आ गया 48√3, आंसर कितना आ गया 48√3 या ऑप्शन फर्स्ट। तो जिन जिनका आंसर ऑप्शन फर्स्ट या 48√3 आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। यहां पे हमने कॉन्सेप्ट क्या लगवाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल तीन परपेंडिकुलर की वजह से तीन ट्रायंगल्स में टूटेगा, जिनका एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर होगा, तो आपने क्या किया, वो सब का एरिया इक्वल रखा, वहां से आप क्या करेंगे, भुजा निकाल लेंगे, यानी साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालेंगे और फिर फॉर्मूले में रख देंगे √3/4 ए स्क्वायर में, और आपका आंसर आ जाएगा 48√3। तो आज का जो सेशन था वो इतना ही था, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, अगर सेशन पसंद आया है तो बिल्कुल इस वीडियो को करें लाइक, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट करके बताएं आप आगे क्या देखना चाहते हैं। मोहर गुज्जर जी बिल्कुल आपका नाम हमने ले लिया सेशन खत्म होने से पहले, तो आज का सेशन अगर आपको पसंद आया है जोरदार कर दे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, और अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, तो बिल्कुल कहीं जाइएगा मत, अगले सेशन में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।